सिद्धि जिले में जारी है काले कोयले का अवैध व्यापार। जिले में कोल माइंस नहीं होने के बावजूद भी जारी है कोयले की अवैध सप्लाई। खनिज अधिकारी और राजनीतिक रसूखदारों की मिली भगत से सिंगरौली का कोयला सीधी से हो रहा है। सीधी जिले में जारी है काले कोयले का अवैध व्यापार। जिले में कोल माइंस नहीं होने के बावजूद भी जारी है कोयले की अवैध सप्लाई। खनिज अधिकारी और राजनीतिक रसूखदारों के मिली भगत से सिंगरौली का कोयला सीधी से हो रहा है अवैध सप्लाई। वहरी में आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर कराया गया है कोयले का अवैध भंडारण। झाड़ियों के पीछे छुपकर बनाए हैं अवैध कोयले का भंडार। ना तो फॉर्म का नाम और ना ही कोई साइन बोर्ड लगाया गया। कोयला भंडारण की जगह पर जहां से मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए की जाती है कोयले की अवैध सप्लाई। सभी नियम कायदों को ताक पर रखकर पुलिस और खनिज विभाग के शह से चल रहे हैं काले कोयले का अवैध व्यापार। मामले में कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी ने लिया संज्ञान। काले कोयले के अवैध व्यापारियों के खिलाफ होगी कार्यवाही। जिले में प्रभारी खनिज अधिकारी होने के कारण फल फूल रहा है अवैध खनिज संपदा का दोहन का व्यापार। तो आप पॉइंट्स बता देंगे जहाँ पे आप लोग को शिकायत सर बहरी के पास है, हम उसकी वीडियो फुटेज भी आपको तो हम कार्रवाई करेंगे। ओके सर जी।